सबदान बेटे जब फेंको तब लहरी अचानक आई है। समुद्र में फेंकना चाहा प्रहलाद को, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई। फिर क्या हुआ? समुद्र में फेंकने के लिए गए हैं, लेकिन भगवान की ऐसी लीला हुई, एक लहर आई, प्रहलाद को किनारे पर फेंक दिया और जल्लाद को बहा ली गई। प्रहलाद भाग करके अपने पिता के पास पुनः पहुंच गई। हेड़ा कश्यप कहने लगा, क्यों रे तू कैसे बच गया? प्रहलाद कहने लगे, गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय। बोले पिताजी, अभी भी आपकी आंखें नहीं खुल रही हैं। अरे जिसको भगवान बचाता है दुनिया में लोग उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। हेड़ा कश्यप कहने लगा, इसे ले जा करके सर्प वाली कोठरी में बंद कर दो। जल्लादों ने जाकर के सर्प वाली कोठरी में बंद किया प्रहलाद को, लेकिन सर्प फूलों का हार बनकर के प्रहलाद की गर्दन में झूलने लगे। फिर भी बच गया प्रहलाद। प्रहलाद को मारने के लिए हेड़ा कश्यप ने अपनी तलवार उठाई। एक हेड़ा कश्यप की बहन और थी जिसका नाम था संहिता। कहने लगी, भैया इस बालक को मार के तुम अपने हाथों से क्यों अपने आप का अपमान कराओगे कि लोग समाज के कहेंगे कि हेड़ा कश्यप ने एक तुच्छ से बालक को मारा। मतलब ये है कि मैं इसे समझा देंगे, बच्चे हैं, समझाने से मान जाएंगे, और समझाने से ना माना तो हमें से मार देंगे। ठीक है, समझाओ, और समझाने से ना माने ना तो इसका वध कर देंगे। देखो अब संक्षेप में देखते हैं थोड़ी देर। ये संहिता जो थी आगे चल करके होलिका बन नारायण के भक्त से दुश्मनी इसने मोल ले ली। ये जो थी काली मां की बहुत बड़ी पुजारिन थी। एक दिन इसने ये सोचा कि हमारे भाई को जो युद्ध में हरा देगा मैं उसके साथ में शादी करूंगी। चलने लगी। रास्ते में इसे विप्रचार चित्त नाम का एक योद्धा मिला। देखने में बड़ी सुंदर रहे। उसकी सुंदरता को देखकर के विप्रचित ने एक बात पूछी, तुम्हारी शादी हुई है या नहीं? वो बोला है,